चांद केस में आरोपी नंबर एक पर कसा सीबीआई का शिकंजा। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती से 10 घंटे से जारी है पूछताछ। रिया चक्रवर्ती से सुबह 11 बजे से पूछताछ कर रही है सीबीआई। 8 जून को घर छोड़ने और सुशांत से रिश्तों के बारे में सवाल जवाब। सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की एसपी कर रही है रिया चक्रवर्ती से कड़ी पूछताछ। यूरोप टूर से लेकर डिप्रेशन और प्रॉपर्टी खरीदने तक पर सवाल जवाब। रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स कनेक्शन पर भी पूछे जा रहे हैं सवाल। 8 जून को घर छोड़ने के पहले हार्ड ड्राइव नष्ट करने को लेकर भी सवाल। रिया के भाई शौविक से भी सीबीआई की लगातार दूसरे दिन पूछताछ। करीब 11 घंटे तक दागे गए थे, कल भी सवाल जवाब। सुशांत का घर छोड़ने के बाद महेश भट्ट से व्हाट्सएप चैट पर भी रिया से पूछे गए सवाल। सुशांत के परिवार के आरोपों पर भी कड़ी पूछताछ। रिया ने सुशांत को डिप्रेशन के इलाज के लिए किन किन डॉक्टर से मिलवाया, उस पर भी सीबीआई की कड़ी नजर। सीबीआई के तलब किए जाने के बाद रिया चक्रवर्ती ने मीडिया पर निकाली खींच। गाड़ी में बैठे बैठे कैमरे पर कोहनी से किया बात। अपने फ्लैट से इनोवा कार में डीआरडीओ दफ्तर के लिए निकली थी रिया। भाई शोविक भी था साथ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह से लगातार 8वें दिन पूछताछ। रिया से आमने सामने बिठाकर भी पूछे गए सवाल। सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी ने शुरू की जांच। ईडी से हासिल किए कुछ और दस्तावेज। मुंबई के एनसीबी दफ्तर में रिया के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का रोडमैप तैयार। मुंबई से दुबई तक ड्रग्स कनेक्शन खंगालेगी जांच एजेंसी। ईडी ने गौरव आर्या के गोवा के होटल में चिपकाया नोटिस। 31 अगस्त को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। सामने आई गौरव आर्या की तस्वीर। रिया और जय शाह के व्हाट्सएप चैट में आया था नाम। टैलेंट मैनेजर जय शाह से ईडी की पूछताछ। सुशांत को सीबीडी ऑयल सप्लाई करने से जया का इनकार। जया शाह ने ईडी को दी जानकारी, कहा सुशांत ने किया था संपर्क, बताई थी डिप्रेशन की बात। ईडी से पूछताछ में जया शाह का खुलासा, सुशांत के पूछने पर सीबीडी ऑयल चाय और कॉफी के साथ लेने की सलाह दी थी। सुशांत के पिता से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। फरीदाबाद में सुशांत की बहन के घर जाकर की मुलाकात। के सिंह साहब को मैंने बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या है कि हत्या है, इसके बारे में इंक्वायरी हो रही है और हमें डाउट है कि भाई उनकी हत्या हो गई है, कोई गैंग ने उनको फंसा कर उनकी हत्या की होगी। धनबाद में सुशांत को मोमबत्तियां जलाकर दी गई श्रद्धांजलि। बुलंद की गई इंसाफ की आवाज। देश में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 77,000 से भी ज्यादा नए मरीज, 33,87,000 के पार कुल आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 1,057 मरीजों की जान गई, अब तक 61,000 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15,000 नए मामले, 7,33,000 के पार कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में करीब 5,400 मरीज, 2,08,000 से ज्यादा कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में 24 घंटे में 1,800 से ज्यादा नए मामले, 1,67,000 के पार कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 3,000 नए केस, 1,50,000 से ज्यादा हुई मरीजों की कुल संख्या। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले, 1,28,000 से ऊपर हुआ कुल आंकड़ा। एनएसजी में भी कोरोना की एंट्री। मानेसर के सेंटर में 15 जवान पॉजिटिव, 14 दिन के लिए किए गए क्वारंटीन। मुरादाबाद में अस्पताल की छठी मंजिल से कूदकर कोरोना मरीज ने दी जान, एक हफ्ते में खुदकुशी की दूसरी घटना। कोरोना के खतरे को देखते हुए बढ़ाई गई सीआरटी परीक्षा की तारीख, 7 सितंबर की जगह 28 सितंबर को होगा पेपर। नीट जेई की परीक्षा को लेकर जारी है कोहराम। गुवाहाटी में सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रयागराज में नीट जेई की परीक्षाओं के विरोध में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। सुभाष चौराहे पर फूका पुतला। रांची में जेई और नीट परीक्षाएं आयोजित करने का विरोध, कांग्रेस का राजभवन के सामने धरना। जेईई नीट परीक्षा को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा छात्रों की बात को अनसुनी नहीं कर सकती सरकार। जेईई नीट परीक्षा को लेकर जारी है सियासत, बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा मेट्रो चलाने और परीक्षा टालने की मांग एक साथ क्यों। बिहार के चुनाव मैदान में कूदे पप्पू यादव, 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन अधिकार पार्टी। एक तीसरे विकल्प के रूप में नहीं, सत्ता के खिलाफ सीधा यदि कोई विकल्प है तो जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव। बिहार विधानसभा चुनाव टालने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा निर्वाचन आयोग को दीजिए अपनी दलील।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में चार आतंकी ढेर, एक ने किया सरेंडर। शोपियां में अलबदर के एक आतंकवादी ने किया सरेंडर, दो AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद। बलरामपुर में पुलिस वालों पर गिरी, दिल्ली में धरे आईसिस आतंकी की गाज, SHO समेत 5 निलंबित। दिल्ली में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बरसात के बाद पानी जमा होने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी भारी बारिश, पानी पानी हुआ पूरा शहर। महानगरी मुंबई में भी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लगातार बारिश से हाहाकार, खोले गए सतपुड़ा डैम के 7 गेट। MP के नरसिंहपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, जिला मुख्यालय से कटा दर्जनों गांव का संपर्क। मध्य प्रदेश के पन्ना में तेज धार में बही कार, स्थानीय लोगों ने 3 कार सवार बचाए। MP के रायसेन में भारी बारिश की वजह से खोले गए डैम के 8 गेट, जयपुर जबलपुर हाईवे पर यातायात बंद। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश से उफान पर नदियां, जिंदगी पर असर। मध्य प्रदेश के देवास में CM शिवराज सिंह चौहान ने बारिश से बर्बादी का लिया जायजा, किसानों को मदद का भरोसा दिया। भारी बारिश से लबालब हुआ झारखंड का चांडिल डैम, खोले गए 4 फाटक, बिजली सप्लाई ठप। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात, शहर के कई हिस्से पानी में डूबे। बाढ़ ने उड़ीसा को किया बेहाल, 8 जिलों में सैलाब का सितम, अब तक 7 लोगों की हो चुकी मौत। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। अमृतसर में भारी बारिश के बाद भरभराकर गिरा मकान, 3 लोगों की मौत, अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, संजीत यादव के परिवार वालों से की मुलाकात। बरिया में पत्रकार हत्याकांड में आरोपियों पर गैंगस्टर और NSA के तहत होगी कार्रवाई, 10 में 8 नामजद आरोपी गिरफ्तार। मऊ में बाहुबली मुख्तार अंसारी के अवैध स्लॉटर हाउस को प्रशासन ने घिराया, करोड़ों की वसूली का आरोप। वाराणसी में बिजली की कीमत को लेकर हंगामा, गरीबों ने अपने घर के बाहर धरने पर बैठकर किया विरोध। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में महिला पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमला, पारिवारिक झगड़ों को लेकर जीजा ने वारदात को दिया अंजाम। कानपुर में एक ट्रक से 30 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद, हरियाणा से प्रयागराज जा रही थी शराब। गुजरात के सूरत में 200 रुपए न देने पर एक शख्स की हत्या, फिल्मी स्टाइल में इंस्पेक्टर ने पकड़ा आरोपी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक महिला ने खुदकुशी की, मौत के पहले वीडियो बनाकर ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। पंजाब के फिरोजपुर में कैमरे में रिकॉर्ड हुई एक लड़की की गुंडागर्दी, कार और मोटरसाइकिल की मामूली रगड़ के बाद जबरदस्त बवाल। राजस्थान के भरतपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का भंडाफोड़, झूठी FIR दर्ज करके फाइनेंस कंपनियों को लगाते थे चूना, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के यमुनानगर में कारोबारी की हत्या से हड़कंप, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में घुसकर बदमाशों ने मारी गोली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अंडरपास में पानी भरने से जानलेवा हादसा, पानी में छलांग लगा रहे बच्चे की डूबकर मौत। बागपत में बिजली विभाग के JEE की पिटाई का वीडियो वायरल, कनेक्शन काटने गए इंजीनियर को किसानों ने पीटा। अमृतसर में इंप्रूवमेंट बोर्ड की अरबों अब की जमीन पर कब्जे को पुलिस ने करा खाली, 40 साल से था अवैध कब्जा। हरियाणा के फतेहाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में दिन दहाड़े 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, 1 घायल, CCTV में रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली में ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियां चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 11 गाड़ियां बरामद, 2 साल में करीब 3,000 गाड़ियों की चोरी। भरतपुर में 2 कुख्यात गैंगस्टर्स की दोस्ती का वीडियो वायरल, सेंट्रल जेल में मिलाए थे हाथ। अहमदाबाद में चलती कार में आग, बीच सड़क धू-धू करके जली BMW, शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। समस्तीपुर के उजियारपुर में पानी से भरे गड्ढे में नहाने के दौरान बड़ा हादसा, 2 छात्र डूबे। कासगंज में दबंग होमगार्ड ने गांव में मचाया तांडव, लाइसेंसी राइफल से फायरिंग, 1 ही परिवार के 4 लोग जख्मी। मथुरा में आबकारी विभाग को बड़ी कामयाबी, आगरा हाईवे पर अंडे के क्रेट में छिपाकर रखी 40 लाख की शराब बरामद। समस्तीपुर में 3 युवकों के हाथ बांधकर दरोगा ने जमकर की पिटाई, तीनों की हालत नाजुक, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल। समस्तीपुर में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लेने के बाद आत्मनिर्भर बने प्रवासी मजदूर, गांव में ही रहकर मशरूम की खेती करेंगे।